सो हेलो फ्रेंड, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज आप लोग को हम ट्रक का रिव्यू देने वाले हैं और बताने वाले कि आइसर ट्रक में क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है, कितने का माइलेज देता है, कितना बचत छोड़ देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे रिव्यू वाले चैनल पे 1000 से सब्सक्राइबर ऊपर अभी चल रहे हैं, मतलब 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, तो आप लोगों को दिल से सैल्यूट और थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिलहाल आज जो रिव्यू देने वाले हैं, हमारे सामने जो गाड़ी है वो भी दिखाने वाले हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ से कहाँ चलती है, कितना पैसा बचत छोड़ देता है। बहुत लोग बहुत सारी गाड़ी का देते हैं, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को मेरे चैनल पे हर एक गाड़ी का रिव्यू मिलने वाला है, जैसे बाइक हो गया, मॉडिफाइड कार हो गया, कार का रिव्यू हो गया, ठीक है, ट्रक का, पिकअप का, हर एक गाड़ी का रिव्यू देने वाले हैं। तो फिलहाल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो ब्रो, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहेगा। भाई हमारे सामने खड़ी है आइसर का 3016 मॉडल नंबर है और ये 6 चक्का में गाड़ी है भाई और डीजल गाड़ी है। इसके बारे में हर एक चीज जानकारी देने वाले भाई साहब आए पंजाब से गाड़ी लेके, और भाई साहब से मैंने बात किया, पंजाब से साइकिल का सामान भर के आए थे वेस्ट बंगाल। तो अभी भाई साहब आए हैं गड़बत्ता, मतलब हम भी आए हैं अपनी गाड़ी को लेके गड़बत्ता सब्जी लोडिंग करने के लिए। तो भाई भी आए हैं सब्जी लोडिंग करने के लिए। तो भाई साहब का अपना गाड़ी नहीं है, आपका अपना गाड़ी नहीं है ना, भैया ड्राइवर है। तो भैया अभी सब्जी भर के कहाँ जाए, कानपुर, शायद कानपुर का मिल जाए। तो भैया अभी कानपुर का लोडिंग करेंगे, लेकिन आज लोडिंग नहीं हो रहा है, कल लोडिंग होगा या फिर परसों होगा, क्योंकि ट्रक है ना भाई। तो भाई साहब लोगों ना, एक तो ट्रैफिक, एक तो ट्रांसपोर्ट वाला, मतलब बहुत झेलना पड़ता है भाई हम लोगों को गाड़ी से, भाई लोगों को गाड़ी वाले को ना, बड़ी गाड़ी जितने हो सबको झेलना पड़ता है। कोई नहीं, फिलहाल इसके बारे में आप लोग रिव्यू देने वाले हैं, तो चलते हैं भाई थोड़ा सा अंदर। तो ये आइसर का गेट ओपन करते हैं, भैया एक मिनट आप उधर से आ जाइएगा। तो चलते हैं भाई अंदर और इसके बारे में बताते हैं कुछ चीजें आप लोगों को। तो सबसे पहले भाई गेट से चालू करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये सब के बारे में भाई नहीं बताना था, लेकिन भाई फिर भी बता देते हैं गाड़ी के अंदर चढ़े। तो ये है भाई शीशा ऊपर नीचे करने के लिए, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल है ये, फैसिलिटी है। हाँ ये इसको शीशा भी खोल सकते हैं, इसको क्या ये भी खोल सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हो सकता है, जैसे अच्छा, अच्छा, कार का होता है। अच्छा अच्छा, फैसिलिटी पूरी फुल है। अच्छा अच्छा, एसी है इसमें, एसी भी दिया हुआ है इसमें, एसी लग सकता है इसमें। अच्छा लग सकता है, चालू है। अच्छा ब्लोवर ठंडा बात होगा तब तो। अच्छा अच्छा अच्छा, म्यूजिक सिस्टम लगा रखा कंपनी ने, स्पीकर लगा रखे हैं पीछे। अच्छा स्पीकर बजाते हैं, स्पीकर यही वाली बजती है। अच्छा कैबिन है, हाँ ये तो सही है, बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, दो आदमी आराम से सो सकते हैं, ये सही है। 24 फुटी गाड़ी है जी, 24 फुटी बॉडी है। तो 24 फुटी बॉडी है, जैसे कि 12 टन। तो भाई आइसर का 12 टन, अच्छा जो 9 टन का 10 टन का पासिंग, तो वो कितना फुटी गाड़ी होती है? 22 फुटी गाड़ी है। वो 22 फुटी है, 24 फुटी। तो भाई ये तो बढ़िया बात है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से मिलता है इसका स्टीयरिंग, जो कि काफी बड़ा है। पावर है कि सादा है? पावर है, तो काफी बड़ा है, पावर होता है। तो भाई थोड़ा सा छोटा कंपनी को और बनाना चाहिए था, लेकिन काफी बड़ा बना दिया, ऐसे इसे घुमाना पड़ेगा, लेकिन सही है भाई, पावर है तो सही है। फिलहाल आ जाते हैं इधर, ये क्या चीज का, एयर का है ना, आरपीएम मीटर, आरपीएम मीटर है। और ये स्पीड मीटर, ये हो गया क्या, किलोमीटर है ना? हाँ किलोमीटर है। एक मिनट चालू करते हैं भाई, इसमें लाइटें बहुत आती है, जैसे हमें देखिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है ट्रक के बारे में, ठीक है, छोटी गाड़ी का रिव्यू देते हैं। लेकिन भाई हमारे चैनल पे हर एक चीज का रिव्यू मिलने वाला है आप लोगों को, मतलब हम चाहते हैं ना जो भी चीज मिले रिव्यू करके आप लोगों को दिखाते जाएं और आप लोग एंजॉय करते जाइए, मतलब हर एक चीज। जैसे हम ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, तो हमें जो भी मिलेगा हर एक चीज का रिव्यू करते जाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा। अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं मीटर की तरफ, तो ये देख सकते हैं ये क्या है, क्या आरपीएम है, और ये किलोमीटर वाला हो गया, कितना स्पीड भाग रहा है, ये तेल है, ठीक है, और ये बैटरी का हो गया, ये एयर है, दूसरा टेम्परेचर का, टेम्परेचर, हाँ अच्छा टेम्परेचर, हाँ समझ गया समझ गया। जैसे हम लोगों का होता है इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ, तो इसमें सादा दिया हुआ। हाँ ये क्या बताइए, BS6 की 3-4 है, ये 5 है, ये 5 है, BS5। अच्छा डायरेक्ट 6 निकला था कि 5 भी निकला था? 5 भी आया, अच्छा 5 भी आया था, चलिए ठीक है। एक नया चीज हमको नॉलेज में आ गया, 6 भी बोल देते हैं, 5 भी बोल देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना पूरी फुल, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो भाई 5 हो गया या 6 भी हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इधर देखिए, इधर चेक लाइट दिया हुआ है चेक करने के लिए, और इधर ये सब है बना हुआ है, और पी क्या हैंड ब्रेक का है क्या? हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। तो बाकी अंदर का इंटीरियर तो भाई काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, ये देख सकते हैं इतना बढ़िया इंटीरियर, सामान अगर रखने के लिए इधर भी स्पेस दिए हुए रख सकते हैं, भाई लोग देखिए टॉफी अगर रखे हुए हैं, भाई टॉफी भी खिलाएंगे आप हमें तो भाई टॉफी भी रखे हैं, वीडियो बनाने के बाद टॉफी खाया जाएगा। तो इधर देख सकते हैं भाई लाइट अगर दिया हुआ है, लाइट ये क्या चीज का है, ये डोर का, अच्छा डोर का है कार की। हाँ हाँ, ये देखो खिड़की बंद करोगे, हाँ जाएगा ये, अच्छा
अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा दो सिस्टम जैसे हम लोग में दिया हुआ है कि बीच में कर देंगे तो खिड़की खोलेंगे तो अपने जा जाएगा, इसमें दबा है अलग 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 है, मतलब कुछ भी आप दबा के अपना फंक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल इधर का सीट दिखा देते हैं आप लोगों को। सीट में क्या है कि दो ड्राइवर आराम से सो सकते हैं। भाई लोगों ने अपना कपड़ा वगैरह लेके बैग में रखा हुआ है क्योंकि वो ट्रक है, और ट्रक ही नहीं भाई ये भाई लोगों का घर भी है यार, क्योंकि इसी से भाई लोगों को कमाना है और इसी पर रहना है। तो इसीलिए ट्रक अगर भाई लोग बहुत ही ज्यादा सजा के रखते हैं, जैसे पंजाब साइड का ट्रक देख लीजिए आप, या फिर आप राजस्थान का ट्रक देख लीजिए, क्या बोलते हैं आपका राजस्थान हो गया, और उधर एमपी, एमपी हरियाणा, और आपका क्या बोलते हैं उधर जेके, ठीक है जे एंड के, उधर का भाई जो गाड़ी है ना सभी के सब जितने भी हैं मस्त सजा के रखते हैं। बाकी हर एक जगह के डिजाइन अलग है। बाकी एक तरफ से देखा जाए तो जो सबसे खूबसूरत गाड़ियां सस्ती हुई राजस्थान में, राजस्थान का गाड़ी देखते हैं भाई रोड से गुजरता है ना, हाँ भाई ऐसा आंख फाड़ के देखते रहो भाई उसका, मतलब बहुत सारी गाड़ियां है जो कि इधर से जाके राजस्थान में सजाया जाता है, तो राजस्थान का काम का जो बारीकी है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो फिलहाल चलते हैं थोड़ा नीचे, नीचे के बारे में कुछ बताइए, तो नीचे चलते हैं भाई। भाई नीचे जाने से पहले एक चीज और बता देते हैं, तो ये भाई गियर, ठीक है तो 6 गियर फ्रंट दिए हुए हैं, 1 गियर रिवर्स लेके टोटल 7 गियर हो जाते हैं। तो भैया से पूछेंगे भक्ति कैसी है, लोडिंग अगर कैपेसिटी कैसा है, कितना चढ़ाई अगर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता, तो उतरते हैं पहले नीचे भाई। तो भाई आ चुके हैं गाड़ी से नीचे। तो भैया ये टैंकी इतना बड़ा लगा है, कंपनी दिया है क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं कंपनी नहीं देती सर। अच्छा अच्छा हम अपना लगवाया है। अच्छा अपने से? हाँ अपने से लगवाया है। कितना खर्चा आता है अभी अलग से? इसका टैंकी फुल टैंक नया खरीद के लेना पड़ता है। कितने का आता होगा ये? कंपनी का ही है देखो सब। हाँ हाँ देखने में लग रहा है उसका, मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि कंपनी का है। कंपनी का ही है जी जी। ये अभी वो दूसरा टैंक वो छोटा छोटा होता है जी जी, ज्यादा दूर आते हैं माल भर के वहाँ। हाँ हाँ जी जी जी। तो डीजल कम पड़ जाता है यहाँ। हाँ ये महंगा है। अच्छा आपके उधर डीजल का क्या रेट चल रहा है? 94-95 रुपए। हाँ 94-95 रुपए। और हमारे बनारस में 97 रुपए चल रहा है। तो आप लोग आते होंगे तो बनारस में ही फुल करवा लेते हो हमको लग रहा है, बनारस से फुल। तो भाई 300 लीटर का टंकी भाई ने अलग से लगवा के रखा है। अच्छा ये बताइए जैसे आइसर का है, बहुत लोग अब आइसर का एक जमाना चल रहा था बहुत ज्यादा, उसके बदले आइसर के मुकाबले एक टाटा का भी गाड़ी निकल चुका है नया नया, एकदम सेम आइसर के से देखने में लगता है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आइसर है लेकिन वो टाटा का रहता है। नहीं, नहीं, तो नहीं। उसमें और इसमें कुछ फर्क बताए, उसका रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में उसका भी रिव्यू देंगे ही देंगे। तो जैसे कि मतलब 6 चक्का आइसर है वैसे ही 6 चक्का टाटा का भी है, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है आप लोग वीडियो देखना पता चल जाएगा। तो ये बताइए लोडिंग कैपेसिटी क्या है इसका, मतलब कहीं पहाड़ी चढ़ाई लाइन में कोई प्रॉब्लम? ओके रिपोर्ट है। हाँ 12 टन माल पाके कहीं मर्जी जाओ कोई। अच्छा अच्छा तो 12-500 गाड़ी की अच्छा पेलोड है। अच्छा 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 12-500 गाड़ी सहित जी जी जी। तो ये बताइए जैसे माइलेज कितने का छोड़ देता है ये गाड़ी? माइलेज 6 का 6 का दे देता है। तो ये भाई बहुत बढ़िया माइलेज है, 6 का माइलेज मतलब सुपर माइलेज हो गया। हाँ भाई 14 कितना फुटी बताए ये? 24 फुटी 12 टन पासिंग है और भाई 6 का माइलेज है, तो बहुत ही अच्छा बात है भाई साहब ने देखे इधर। अच्छा बाहर का जो भी गाड़ी होता है पंजाब और हरियाणा साइड का जो भी गाड़ियां होता है ना वो सब टायर है ओके रहता है, मतलब टायर जो रहता है भाई लोगों का वो सब ओके रहता है, गाड़ी में कुछ भी आपको कमी नहीं मिलेगा, गाड़ी का डेकोरेशन लेके गाड़ी का साफ सफाई मस्त भाई लोग रखते हैं। बाकी सामने से देख सकते हैं भाई की गाड़ी कुछ इस तरीके लगता है, और ये भाई पंजाब का नंबर है हेडलैम्प भाई ने। अच्छा ये भी फॉग लैम्प है क्या? तो अलग से भाई लाइट लगवा के रखे हुए हैं अलग से। तो ये भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपनी के लाइट से क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता है। नहीं नहीं और कंपनी की लाइट से ये है जैसे जी जी बाहर चल रहे हैं हम। हाँ 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 ऐसे लाइट बंद भी हो जाती है कभी खराब भी। हाँ कंपनी वाले का ये प्रॉब्लम फ्यूज होता है कंपनी वाला लाइट होना इमरजेंसी लाइट ये इसलिए मैंने भी ऊपर अलग से लगवा के रखा हुआ है। चलान भी है वैसे? अच्छा अच्छा पुलिस चलान भी? हाँ इसका चलान हमारे ऊपर भी। हाँ 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 अच्छा आप लोग को बम्पर का भी चलान कटता है क्या? हाँ बम्पर का भी कटता है आप लोग का भी? तो भाई इसी वजह से मैंने सामने बम्पर अगर नहीं लगवा के रखा हुआ है इसका तो नहीं कटता। इसका नहीं कटता ना पूरा का पूरा, अगर ऐसा लगवा के रखते तो उसका कटता। हाँ, कटता ना। तो फिलहाल गाड़ी का आप लोग को दिखा दिया, माइलेज भी बता दिया है, और आप लोग बताइए क्या क्या दिखा दे भाई, ये भी दिखा देते हैं। तो ये भाई ये शीशा क्यों लगाया जाता है भैया बताइए? ये वाला ये तो है ऊपर का साइड देखने के लिए होता है, जो ये वाला शीशा जो होता है ऐसे जो घुमा है इसका मतलब कुछ बताइए? ये पूरी गाड़ी की साइड दिखाता है पूरी गाड़ी। अच्छा बिल्कुल पूरी गाड़ी नीचे नीचे जैसे कोई जी जी पल्ली साइड बैठे जहाँ आगे कार रोक ली। जी 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 कार रोक लिया। हाँ हाँ दिखाई नहीं देता उसके लिए फ्रंट शीशा। अरे फ्रंट भी इसमें तो हमारा ध्यान ही नहीं गया भाई, तो वो कहाँ का दिखता है? यहाँ नीचे दिखता है तो आपको ड्राइवर सीट से दिख जाएगा दिखेगा। अच्छा तो भाई ये देखो ये वाला ये कंपनी दिया हुआ है क्या? नीचे देखेगा टायर के साथ में कोई दिखाई तो नहीं देगा। जी जी ये कंपनी दिया हुआ है कंपनी। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप ड्राइवर सीट से ना
इस शीशा के द्वारा आप देख सकते हो कि नीचे कोई गाड़ी तो नहीं, मतलब ऊंची गाड़ी है तो क्या होता है कि ड्राइवर को दिखता नहीं है, तो इसके वजह से भाई बहुत सारा दुर्घटना होता था। हमें ऐसा लगता है कि दुर्घटना होता तभी तो कंपनी ये चीज दिया हुआ है ना। बाकी सीढ़ी अगर अपने से लगवाए कंपनी दिया है अपने से, तो भाई ने सीढ़ी अगर लगवा के रखा है ऊपर रस्सा तिरपाल रखने के लिए मस्त बांध के। तो बाकी ओवरऑल ढाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, ठीक है, पीछे से नहीं दिखाएगा, ढाला हर ट्रक का एक ही होता है। तो भाई एक चीज जो कि जरूरी हर आदमी के माइंड में रहता है कि ट्रक लेके भाई कितना पैसा था ज्यादा बचा सकते हैं, तो भाई लोग से ही पूछ लेते हैं, भैया जैसे आप वेस्ट बंगाल आए हैं तो कितने में भर के आई थी गाड़ी पंजाब से? 70,000 में। कितने का लमसम तेल पी गया होगा आने में? खर्चा आ जाता है 55,000 उधर से आने में। 55,000 का खर्चा? ओ भाई 55,000 का खर्चा यार बहुत ज्यादा हो गया। इधर से कितने भरेगा अभी कोई ठीक नहीं है, अभी कोई मतलब एक चक्कर में कितना बजट छोड़ देगा? कम से कम नहीं तो मान के चलो महीने में दो चक्कर लगाएंगे तो गाड़ी किस्त निकालेगा। दो चक्कर महीने में खत्म कहानी फिर 50,000 दो चक्कर में बचेगा एक महीने के अंदर। तो उसमें आप लोगों का खर्चा कैसे निकलता होगा? उसी में मालिक देते हैं। ओ भाई मतलब भाई अगर किसी को ट्रक लेना होगा तो क्या बोलते हैं? अगर ट्रक किसी को लेना होगा तो इस समय क्या बोलना है? इसमें लेना चाहिए इस समय का जो मौसम चल रहा है? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस समय का ट्रांसपोर्ट लाइन भी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, सच्चाई है भाई। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे हम लोग का लोकल गाड़ी है भाई बनारस का, तो हम लोगों क्या है कि टोल टैक्स इतने, ट्रांसपोर्ट डीजल इतना महंगा है, तो हम लोग का ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं लूटते हैं, सिर्फ अपना 5% जो कमीशन लगता है ईमानदारी से लेते हैं। बाकी ट्रक अगर हमें क्या है ना कि ये बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाले कि भाई तुम उतना दूर से आए वापस से लोडिंग देंगे 5,000 दो कमीशन, तो ऐसे ऐसे भी ट्रांसपोर्टर पड़े हैं। तो भाई ऐसा ना करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई हम लोग को समझे, क्योंकि हम लोग का भी घर परिवार है यार, मालिक को जीने दो ड्राइवर को जीने दो यार, क्योंकि ट्रक चल रहा है ये चक्का नहीं है भाई, ये देश का चक्का है। कहते हैं ना मालिक तो मेहरबान है चमचों से पहचाना है, बस राइट बात। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका भाई का जो वीडियो आएगा वो आप लोग बस टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। बाकी पंजाब के दो भाई लोग हैं एक बार आए कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए हमारे मित्र लोगों को, सब्सक्राइब करें लोग, लाइक करें, कमेंट करें भाई को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बता दे टाटा गाड़ी का आने वाला है, तो आप लोग तैयार हैं क्या? कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई।